हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे हो आप लोग? मेरे हिसाब से अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पढ़ाई कर रहे होगे, पढ़ाई तो आप करनी ही करनी है। आपके अलावा आप फिजिकल तैयारी कर रहे होगे, मेरे हिसाब से आप मेरे से पहले उठ चुके होगे और रनिंग करके आ चुके होंगे। ठीक है, जिन लोगों की रनिंग अच्छी नहीं है उन लोगों को ऐसा ही करना है भाई, 5:30 5 बजे उठना है, अपना रनिंग फटाफट करके 1 घंटे कंप्लीट करके फिर आना है। ठीक है, मैं रनिंग और इसी की बात करूँगा फिजिकल रिलेटेड ही, लेकिन मैं होप करता हूँ कि आप लोग अभी फिजिकल लगा के अपना रनिंग करके तब जाके ये वीडियो देख रहे हो। कोई कोई बंदा अभी हाई जंप करने गया होगा, ऐसा कह मान सकता हूँ मैं। सुबह के बज रहे हैं 7:30। ठीक है, तो 7:30 बजे मैं मानता हूँ कि आप करके आ चुके हो अपनी। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि आप कितने बजे उठते हो और क्या करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए मैं मानता हूँ कि आप रनिंग ट्रैक पे आ गए हो। अब कुछ लोग हैं इसमें, दो टाइप तीन टाइप के लोग हो सकते हैं। एक हो सकते हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा, वो अब बूस्ट करने लगे होंगे। ठीक है, दूसरे टाइप के लोग हैं जो अभी स्टार्ट किए हैं और अभी वो हताश हैं, हमसे होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमारा टाइम 8 आ रहा है, 8:30 आ रहा है, 7:30 आ रहा है। इवन लोगों को हिम्मत नहीं हो पा रही कि सर हमारा 9 मिनट आ रहा है। ठीक है, ये टाइमिंग है। दूसरा और तीसरा टाइप है कि अभी स्टार्ट ही नहीं किया, वो आंसर की का वेट कर रहे हैं कि सर हमारा होगा नहीं होगा, इस कन्फ्यूजन में है। ठीक है, तो भाई देखो, जो जिन लोगों ने स्टार्ट कर दिया उनका भी टाइमिंग 8:30 8 रहा होगा, वो 7:30 7 पे चल रहा है। तो रीजन इन द सेंस स्टार्टिंग में ये होता है आप लोगों के साथ, जैसे आप भागना स्टार्ट करते हो तो आपके साथ मोटिवेशन इतना नहीं होता कि आप इतनी कैरी नहीं करते अपनी चीज़ों की कि यार भाग रहा हूँ तो मैं क्यों भाग रहा हूँ। पूरे मन से भागते नहीं हो और अपने शरीर भी देखो एक समय साथ नहीं देगा अपना। ठीक है, जब आप भागते हो तो एक तरीके से माइंड में अगर तुम्हारी डाउट है, ऑलरेडी डाउट है कि यार मेरे से नहीं होगा या फिर सांस फूल रही है मेरी, भागते टाइम स्टार्टिंग करते हैं अपन तो अपने वार्म अप नहीं किया। ठीक है, वार्म अप नहीं किया पहले दो दो तीन दिन अपन नहीं करते। देखो भाई, जब तक दर्द नहीं होता कोई कैरी नहीं करता अपने शरीर की। ठीक है, स्टार्टिंग में आप दौड़े, मान लीजिए आप दौड़ रहे हो, आप स्टार्ट अप टाइम में एक दो दिन दौड़ रहे हो तो आपको दर्द होगा, दौड़ते टाइम भी आपको लगेगा कि यार सांस फूल रही है मेरी, तो सांस फूल रही तो आपका मन कहेगा रुक जा भाई रुक जा। ठीक है, तो आप रुक जाओगे, ऑब्वियस है, क्योंकि आपका इतना है ही नहीं ना भाई, इतना अभी आपने ना तो प्रैक्टिस किया है उस कंट्रोल किया अपने मन को, ना अपने शरीर पे कंट्रोल। अभी रनिंग आप काफी दिनों बाद कर रहे हो तो फिर आप ब्रेक करोगे ना अपने मन के हिसाब से, तो आप रुक जाओगे बीच में 800 मीटर पे, मे भी आप रुक जाओ, या फिर आप उतनी स्ट्रेंथ ना लगाओ कि यार हो जाएगी नहीं होगी, ऐसे कन्फ्यूजन में लगे रहो। ये हो गया, अब देखो स्टार्टिंग में ही आपका गोल क्लियर हो गया कि आपका मन डाउट में है, और एक आप अपना बेस्ट दो कि यार दर्द होगा सांस फूलेगी तो भी मैं कंप्लीट करूंगा जितनी मेरे से हो पाएगी। आज 500 800 मीटर पर रुक रहा हूँ, कल मैं 1 किलोमीटर बाद रुकूंगा और परसों मैं कंप्लीट करके रुकूंगा पूरी। तो ऐसे जब आप गोल बना लोगे ना अपने डेली बेसिस पे कि यार मैं नहीं रुकूंगा, मेरे सेन पेन हो रहा है होने दो, मैं शाम को आके मालिश कर लूंगा, लेकिन मेरे को दौड़ना है, जब अपने आप से जिद कर लोगे ना तो ही फिजिकल होगा। फिजिकल ऐसे नहीं होगा कि आपने मान लिया और आपसे हो रहा है नहीं हो रहा और आपने बस छोड़ दिया। फिजिकल एक चीज़ है जिसमें आपका मतलब आपका माइंड अगर प्रॉपर सही है ना, आपका शरीर में अगर दर्द भी है और आपका बियर करने का आपका इतना है कि यार मैं दर्द होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेन पेन सबको होता है भाई, सब रोड पे दौड़ते हैं, हर किसी के पास ग्राउंड नहीं है। आप ये बात समझो, हर कोई ग्राउंड में दौड़ने वाला नहीं है, सब रोड पे दौड़ते हैं मोस्टली, जो सिटी में गांव से सिटी पे आए हुए हैं ना सारे तैयारी करने, जयपुर वगैरह जो भी, सारे रोड पे दौड़ रहे होंगे, कोई भी ऐसा नहीं है जो ग्राउंड पे दौड़ रहा होगा, कुछ ही लोग हैं जो ग्राउंड पे। कितनी जगह मिलेगी यार, कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, कहाँ मिलेगा ग्राउंड? और फिर सिन पेन हो रहा है तो अपने देखो भाई, दूध पी लो शाम को, कैल्शियम वैल्शियम की गोली ले आओ, और फिर अपनी मालिश, अपने गाँव के लोग हो ना आप लोग तो मालिश कर सकते हो ना अपनी, तेल तेल में लहसुन वसन डाल के, तो अपने मम्मी से पूछ लो, या फिर लहसुन इतना तो पता ही है, तेल गरम तेल किया उसमें लहसुन वसन डाले एक तरीके से किया और अपना किया मालिश अपने हाथों से। अब कोई डॉक्टर किसी के ज़्यादा लग गई हो तो बात अलग है भाई, किसी का पैर चोटिल हो गया, कोई मुड़ गया तो वो अलग कंडीशन है, वरना नॉर्मल सेन पेन हड्डी में सबके दर्द होता है यार, मेरे बहुत होता था। तो आप जब तक आपका शरीर रिदम में ही नहीं है वर्कआउट के, तो आपके दर्द तो होगा ना ऑब्वियस, तो उस चीज़ को आप वो मत करोगे यार दर्द हो रहा है। कई लोग कमेंट आ रहे हैं कि सर सिन पेन हो रहा है, भाई सिन पेन का सीधा सा है, जब तक आप कैरी के स्टार्टिंग में जब कर रहे हो तो थोड़ा वार्म अप कर लो अपने शरीर को, मतलब एक बोल तो दो उसको कि भाई मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तैयार रहे, ब्लड सर्कुलेशन ढंग से करियो, ऐसी चीज़ें तो बोल सकते हो, तो जंप कर लो थोड़ा, सिन पेन की एक्सरसाइज है।
वो कर लो, उसके बाद फिर आपको स्टार्ट करना, फिर एक आपकी 2-3 किलोमीटर करने के बाद भी आप रुक जाना है, उसके बाद भी हाई जंप थोड़ा थोड़ा नॉर्मल करते रहना है भाई, अपने 2 किलोमीटर हो गई ढंग से, उसके बाद थोड़ा और प्रैक्टिस करना है। ये थोड़ा ना कि आप बिल्कुल 2 किलोमीटर करके बैठ जाओगे, आड़े टेढ़े पड़ जाओगे, क्योंकि फिजिकल में भी ऐसे ही होता है। फिजिकल में क्या करते हैं अपन, जब अपना हो जाता है ना पूरा कंप्लीट, तो अपन गिर जाते हैं कि यार हो गया बस। लेकिन ऐसे नहीं करना अपने को वो अपना शरीर का कैरी करना है, तो अपने को ध्यान रखना है कि रुकना नहीं है स्टार्टिंग में, और वार्म अप भी करके ही साथ अपने को स्टार्ट करना है हमेशा। ठीक है, तो ये रनिंग की वीडियो थी, रनिंग में कुछ नहीं है ऐसा, अगर करोगे तो होगा, हताश हो जाओगे तो देखो भाई, ना होगा ना अभी होगा ना फिजिकल में होगा, तो हताश तो होना ही नहीं है। आप ये मान लो अपना शरीर आपका शरीर है ना, तो जान है कि नहीं है ये बताओ, है ना जान, तो कर पाओगे अपना बेस्ट दे पाओगे, या फिर लास्ट में ताने खाओगे कि शरीर तबड़ा लेके घूमता है और हुआ नहीं। अपने में एग्रेशन लाओ थोड़ा यार। देख भाई, एग्रेशन जब तक नहीं आएगा ना, तब तक फिजिकल में सारी चीज़ें ऐसी आती है ना कि जितने भी आपके पास नेगेटिविटी है उसको एक बूस्टअप बना के निकाल दो। फिजिकल वो चीज़ है जहाँ पे अपना नेगेटिव चीज़ आती है ना, जितने भी आपने सुनी हो, किसी ने बोला होगा इसका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी ने आपको छोड़ा होगा, किसी ने क्या किया होगा, तो वो सारी चीज़ें एक गैदर करके अपना एक म्यूजिक तो होगा आपके पास, शुरू में म्यूजिक का वो तो ले सकते हो, गाने लगाओ आराम से ऐसे, और मिल्खा सिंह के लगाओ, किसी के लगाओ, आपको जो लगता हो जिससे आपके आग भड़कती हो, भागो और पेन वेन छोड़ो। तो अपने आपको 2-3 चीजें कर लो, एक तो वार्म अप स्टार्ट कर लो स्टार्टिंग में, और एक रुकना नहीं है, एक कंडीशन ऐसा कर लो कि यार मेरे को इतना करना है आज, मैं आज अगर मेरे पूरी कंप्लीट नहीं हो तो मैं 800 मीटर तक जाऊंगा, बेस्ट दूंगा, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम कर लूंगा, अगले दिन फिर 1 किलोमीटर, फिर अगले दिन पूरा करूंगा और टाइम के साथ पूरा दौड़ूंगा। धीरे धीरे अपना टाइम इंक्रीज करो, आज 7:30 आ रहा तो कल भी 7:30 आएगा, ऐसे मतलब नहीं है, और फिर डेली काउंट भी करने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करो, फिर अल्टरनेट डेज अपने आप को काउंट करो, और ऐसा नहीं है कि दिन में एक बार ही दौड़ कर रहे हो। जिन लोगों को जिनका 8 आ रहा है, जिनका 8 से ऊपर आ रहा है, 7:30 आ रहा है, उन लोगों को स्टार्टिंग में 2 टाइम जाने की जरूरत है, सुबह और शाम। एक टाइम जब वो अपना पूरा बेस्ट दें कि यार टाइमिंग के साथ, और एक टाइम वो नॉर्मल प्रैक्टिस करें लॉन्ग की, जितना है उससे डबल नॉर्मल पेस से, जो बीच वाला पेस होता है ना, स्टार्टिंग में अपन तेज भागेंगे और लास्ट में अपने को बूस्टअप करना है, तो बीच का जो फेज होता है उसमें अपने को जो एवरेज पेस मेंटेन करना है उसके हिसाब से आपको भागना है। शाम के टाइम मतलब एक टाइम आपको वो पेस कवर करना है जिस पेस के साथ आप बीच में भागोगे। स्टार्टिंग के 400 मीटर आप तेज भागोगे, लास्ट के 400 मीटर आपको भागने पड़ेंगे ऑब्वियस है, तो बीच के जो पेस मेंटेन करना है वो पेस का आपको आदत लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं ढंग से वीडियो किसी छुट्टी के दिन सैटरडे या संडे को ला पाऊंगा। ठीक है, तो तब तक का इंतजार करना। एक चीज़ ये थी कि अपने खाने में थोड़ी चेंजेस कर लो, अगर आप ओवर वेट हो तो थोड़ा कट कर लो, और उसमें लिक्विड ऐड कर लो थोड़ा, है ना, तो क्योंकि वेट जब घटता है तो अपनी थोड़ी बढ़ती है रनिंग स्ट्रेंथ वगैरह, अपनी स्पीड अप पिकअप होती है। और जिन लोगों का ऐसा है कि स्प्रिंट है बूस्टअप करने में प्रॉब्लम आती है, जिनको लगता है कि यार स्टार्टिंग में और लास्ट में मैं कैसे बूस्टअप करूँगा, मुझे भगा नहीं जाता, तो वो लोग क्या करें, 400-400 मीटर की स्प्रिंट ऐड कर लें, 400 की, 200 की और 100 की, ऐसे स्प्रिंट लगाएं दिन में, मतलब भागें और अपना टाइमिंग मेजर करें कि कितना टाइम लग रहा है और नोट करें, तो उनका एक फ्रिक्वेंसी बन जाएगी ना 400 मीटर बूस्ट करने का, एक रिदम आ जाएगा, तो स्टार्टिंग में और लास्ट में आराम से भाग जाएंगे। ये आपको तब करना जब आपका स्टार्टिंग का जो लॉन्ग वाला है वो रनिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब आप थोड़े सांस वास कंट्रोल में आ जाती है उसके बाद वापस पिकअप करना है। 400 मीटर का रेस कर लिया अपने, 400 मीटर की रेस कर ली, उसके बाद 100 मीटर ऐसे आपको करना है। और हाई जंप के लिए तो देखो सीधा है, आपको टेक्निक एक तरीके से दूर करनी है, तो डायरेक्ट आप 4 फीट मत कूदो पहले, मेरी मानो अगर आपको डायरेक्ट ही 4 फीट कूदनी है तो नहीं कूद पाओगे, 4 फीट हेड नहीं, वैसे 3-11 ऐसे समथिंग है, 3-9, ठीक है, पूरी 4 फीट नहीं है, 4 फीट से थोड़ा कम होती है वहाँ पे, लेकिन तैयारी आपको 4 फीट की करनी है, लेकिन 4 फीट की डायरेक्ट मत करो तैयारी, 3-3.5 फीट से चालू करो, लेकिन एक देख लो वीडियो में कि आपको जिस एंगल से शूट हो रहा है, जिस एंगल से, जैसे कई लोग आते हैं साइड से आते हैं वो वाली टेक्निक अच्छी रहती है, फ्रंट से जो आते हैं उसमें तो अपने चांसेस होते हैं कि अपना जो मतलब हिप्स वगैरह टच हो जाएं,
तो अपने हिसाब से टेक्निक कर लो। और कई लोग उसमें मत रहना कॉन्फिडेंस में कि मेरी हाइट ज़्यादा है तो मैं आराम से कर जाऊँगा लॉन्ग जंप और ये हाई जंप, तो हाई जंप में ऐसा कुछ नहीं है। हाई जंप में अच्छे अच्छे लोग रह जाते हैं, जिनकी हाइट ऐसी हो वो भी रह जाते हैं, क्योंकि एक गलती आपको तबाही करेगी। क्योंकि आप पे आपका अगर आप स्पीड थोड़ी लाते हो, स्पीड से एक टेक्निक चाहिए उसमें, तो वो टेक्निक आपने कर ली तो आपका हो जाता है, वरना नहीं हो पाता। तो ये वीडियो जो थी जस्ट फॉर्मल थी, इसमें कोई पॉइंट नहीं था। मुझे लगा काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, तो मैं जस्ट एक पॉजिटिव वाइब दूँ आप लोगों को, जिससे आप बूस्टअप रहो। बस इतना ही था, बाकी एक ढंग से वीडियो जो होगी वो आगे आएगी जिस दिन मेरी छुट्टी होगी। अभी तो मैं जस्ट उठा हूँ और मुझे मैंने कमेंट्स देखे कुछ की ज़रूरत है बूस्टअप की, तो मैंने जस्ट कर दिया है। इसी के साथ अपना देखो तैयारी करते रहो, आप कट ऑफ के 5-10 नंबर इधर हो। शुभम सर ने बताया, किसने बताया कि कट ऑफ 10 इधर जाने वाली है, OBC की 125-135 जाने वाली है, ऐसे बोल दिया। तो भाई देखो वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, उनने बस देख लिए एस्पायरेंट्स नंबर दिए हैं उनको, ठीक है, तो जा सकती है। मैं हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसके आसपास जाए, लेकिन क्यों अपना माइंडसेट क्यों बिगाड़ना? आपको होप है ना, आपकी होप तोड़ने का हक किसको है? आपको तो ज़्यादा नीचे हो तो बात अलग है, आसपास हो ना भाई, तो फिर क्यों टेंशन लेनी? अपना बैकअप प्लान भी तैयार रखो, साथ में ये भी करते रहो। दिल्ली पुलिस के में फिजिकल नहीं चाहिए क्या? तो अपने आप को चार जब रखो बस, कि नहीं होगा तो क्या होगा, अनुभव होगा। वो दिव्य कीर्ति सर ने कहा है कि कुछ नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा। तो ऐसी वाली लाइनों को थोड़ा फॉलो किया करो, और जो लोग नेगेटिव बोले उनसे दूर रहा करो, ठीक है। अपना प्लान बी के साथ रेडी रहो। इसके साथ जय हिंद, जय भारत। डिटेल वीडियो बाद में लाएंगे।